माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम यादा अनुषा है। मैं गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज नागुलंजा में 12 कक्षा पढ़ रही हूँ। मैं खम्मम जिले तेलंगाना से हूँ। सर, मेरे सवाल यहाँ है कि जब शिक्षक हमें पढ़ाते हैं तो हम समझ जाते हैं, लेकिन कुछ समय या कुछ दिनों के बाद हम भूल जाते हैं। कृपया इसके बारे में मेरी मदद करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद अनुषा। मान्यवर, हमें एक अन्य प्रश्न नमो ऐप के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रश्नकर्ता गायत्री सक्सेना जानना चाहती है, परीक्षा देते समय उनके साथ अक्सर ऐसा होता है, जो पढ़े और याद किए हुए विषय हैं वो भी परीक्षा हॉल में भूल जाते हैं, जबकि परीक्षा से पहले या परीक्षा के बाद साथियों से बात करते समय उन्हें वही जवाब ध्यान में रहता है। ऐसी स्थिति को बदलने के लिए क्या करना चाहिए? मान्यवर, अनुषा एवं गायत्री सक्सेना के जैसे प्रश्न अनेक अन्य लोगों के मन में भी है, जिनका संबंध स्मरण शक्ति से है। कृपया इस दिशा में मार्गदर्शन कर कृतार्थ करें, माननीय प्रधानमंत्री जी। शायद हर विद्यार्थी के दिमाग में विषय कभी न कभी तो एक समस्या बन करके खड़ा हो ही जाता है। हर एक को लगता है कि मुझे याद नहीं रहता है, ये मैं भूल गया। लेकिन आप अगर देखेंगे, इवन एग्जाम के टाइम पर अचानक ऐसी चीजें आपकी निकलने लगेगी कि आपको कभी एग्जाम के बाहर, अरे मैंने तो पिछले हफ्ते भर में कभी इस विषय को छुआ नहीं था, अचानक क्वेश्चन आ गया लेकिन मेरा जवाब बहुत अच्छा हो गया। मतलब कहीं पर स्टोर था, आपका भी ध्यान नहीं था, अंदर स्टोर था। और वो स्टोर क्यों था? क्योंकि जब वो भर रहे थे तब दरवाजे खुले थे, कपबोर्ड खुला हुआ था, इसलिए अंदर वो गया। अगर कपबोर्ड बंद होता कितना ही पड़ोसते कुछ नहीं जाता। और इसलिए कभी कभी ध्यान शब्द ऐसा है कि लोग उसको योगा, मेडिटेशन, हिमालय, ऋषि मुनि वहां जोड़ देते हैं। मेरा बड़ा सिंपल सा मत है, ध्यान का मतलब क्या है? अगर आप यहां आए लेकिन अभी आप सोते होंगे कि मम्मी घर पे टीवी देखती होगी, वो ढूंढती होंगी मैं किस कोने में बैठा हूं, मतलब आप यहां नहीं है, आप घर में है। आपके दिमाग में यही है कि मम्मी टीवी देखती होगी कि नहीं देखती होगी, मैं यहां बैठा हूं वो उनको नजर आया होगा कि नहीं आया होगा। आपका ध्यान यहां होना चाहिए था लेकिन आपका ध्यान वहां है, मतलब आप बेध्यान है। अगर आप यहां है तो आप ध्यान में है, आप वहां है तो आप बेध्यान है। और इसलिए ध्यान को इतनी सरलता से जीवन में स्वीकार कीजिए, आप इतनी सरलता से स्वीकार कीजिए। ये कोई बहुत बड़ा साइंस है और कोई बहुत बड़ा नाक पकड़ करके हिमालय में जाके बैठना पड़ता है, ऐसा नहीं है जी। बहुत सरल है, आप उस पल को जीने की कोशिश कीजिए। अगर उस पल को आप जी भर के जीते हैं तो वो आपकी शक्ति बन जाता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे सुबह चाय पीते रहते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, परिवार के लोग कहते हैं अरे पानी गर्म हो गया चलो जल्दी नहाने के लिए चलो, नहीं नहीं मुझे अखबार पढ़ना है। फिर कहेंगे नहीं नहीं नाश्ता गर्म हो भाई ठंडा हो जाएगा, फिर भी कहें नहीं मुझे अखबार पढ़ना है। कभी उन माताओं से मैं कहता हूँ जो घर में ऐसी परेशानी करते हैं उनको जरा शाम को पूछो आज अखबार में क्या पढ़ा था। मैं 99% लोग बताता हूं वो नहीं कह पाएंगे कि आज के अखबार की हेडलाइन क्या थी। क्यों? वो न जागरूक है, न वो उस पल को जी रहा है, वो आदतन
पन्ने घुमा रहा है, आंखें देख रही हैं, चीजें पढ़ी जा रही हैं, कुछ भी रजिस्टर नहीं हो रहा है। और अगर रजिस्टर नहीं हो रहा है तो मेमोरी चिप में जाता नहीं है। और इसलिए आपके लिए पहली आवश्यकता यह है, आप जो भी करें उसे उस वर्तमान को, और मेरा अभी भी मत है कि परमात्मा की इस सृष्टि को सबसे बड़ी कोई सौगात है। अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा वो सौगात वर्तमान है। जो इस वर्तमान को जान पाता है, जो इस वर्तमान को जी पाता है, जो इस वर्तमान को आत्मसत कर पाता है, उसके लिए भविष्य के लिए कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। और मेमोरी का भी यही कारण है कि हम उस पल को नहीं जीते हैं और उसके कारण हम उसको गवा देते हैं। दूसरा, मेमोरी का जीवन से संबंध होता है। सिर्फ एग्जाम से है ये सोचोगे तो फिर तो आप उसकी कीमत ही नहीं समझते हैं, उसका मूल्य ही नहीं समझते हैं। अगर मान लीजिए आपके किसी दोस्त का जन्मदिन आपको याद रहा और आपने जन्मदिन पर उसको फोन किया, आपकी तो वो मेमोरी थी जिसके कारण आपको जन्मदिन याद रहा, लेकिन वो मेमोरी आपके जीवन के विस्तार का कारण बन जाता है। जब उस दोस्त को टेलीफोन जाता है उसको, अरे वाह, उसको मेरा जन्मदिन इतना याद था, मतलब मेरे जीवन की अहमियत उसके जीवन में है। वो जीवन भर आपका बन जाता है। कारण क्या था? वो एक मेमोरी। मेमोरी जीवन के विस्तार का बहुत बड़ा कैटलिक एजेंट है। और इसलिए हम हमारी स्मृति को सिर्फ परीक्षा तक, सवाल जवाब तक सीमित ना करें, आप उसका विस्तार करते चलिए। जितना विस्तार करेंगे चीजें अपने आप जुड़ती जाएगी। दूसरा, आप कभी दो बर्तन लीजिए, दो बर्तन में पानी भरिए, पानी भर करके उसके अंदर एक कॉइन रखिए, दोनों में पानी शुद्ध है, स्वच्छ है, दोनों एक ही प्रकार का पानी है, दोनों एक ही प्रकार के बर्तन है, दोनों एक ही प्रकार के उसमें कॉइन है, और आप उसको देखिए। लेकिन एक बर्तन है जो हिल रहा है, पानी इधर उधर हो रहा है, नीचे कॉइन है, दूसरा स्थिर है। आप देखेंगे कि जो स्थिर पानी वाला कॉइन है वो आपको परफेक्ट दिखता है, हो सकता है उस पर लिखी हुई चीज भी दिखाई दे, और जो पानी हिल रहा है वहां पर भी वही कॉइन, वही साइज है, उतना ही गहरा है, लेकिन दिखता नहीं। क्यों? पानी हिल रहा है, बर्तन हिल रहा है। अगर मन भी ऐसे डोलता रहे और हम सोचें कि उसमें कॉइन जो है मुझे दिखाई देगा, आपने देखा होगा एग्जाम में आपकी समस्या ये होती है, क्यों देखो ये बगल वाला तो ऊपर देखता नहीं, लिखता ही रहता है, अब मैं पीछे रह जाऊंगा, उसको यानी दिमाग उसी में लगा पड़ा है। आपका दिमाग इतना हल डोल कर रहा है कि जो भीतर मेमोरी रूपी जो कॉइन है ना, आपको वो दिखता ही नहीं है। एक बार मन को स्थिर कर लीजिए। मन को स्थिर करने की दिक्कत है तो जरा डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, 3-4 बार गहरी सांस लीजिए, एकदम सीना तान करके आंख बंद करके कुछ पल बैठिए, मन स्थिर हो जाते ही वो कॉइन जैसे दिखने लगता है, आपके मेमोरी के भीतर पड़ी हुई चीज यूं ही उभर करके आना शुरू हो जाती है। और इसलिए ईश्वर ने जिसकी मेमोरी ज्यादा है उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, ऐसा नहीं है जी। हमारे सबका जो इंटरनल प्रोडक्ट है ना, परमात्मा ने बहुत ढंग से बढ़ाया हुआ है। हम किसको पनवाते हैं, किसको बढ़ाते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। आप में से जो लोग पुराने शास्त्रों को जानते होंगे, कुछ तो कभी यूट्यूब पर भी कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कुछ शतावधानी लोग होते हैं, उनको एक साथ 100 चीज़ें याद आती हैं,
हमारे देश में चीजें कभी कभी इसकी बड़ी प्रचलन हुआ करती थी, तो हम इसको ट्रेन कर सकते हैं, अपने मन को भी ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आप परीक्षा में जा रहे हैं इसलिए मैं उस दिशा में आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं मन स्थिर रखिए। आप अपने पास पर चीज़ें पड़ी हैं वो अपने आप आना शुरू हो जाएगी, आपको वो दिखना शुरू हो जाएगी, आपका उसका स्मरण होना शुरू हो जाएगा और वही बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा।